जल ही जीवन है, पानी है अनमोल रतन, सब मिल इसका करो जतन। प्रयोग स्वच्छ नीर का, आधार स्वस्थ शरीर का, हमारा लक्ष्य अविरल गंगा, निर्मल गंगा। प्रदेश में जल संपूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम बदलकर स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग कर दिया गया, जिसे जून 1975 में उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 5 कवाल नगरों, बुंदेलखंड, गढ़वाल तथा कुमायूं क्षेत्रों के लिए एक एक जल संस्थान भी स्थापित किए गए। वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए झांसी एवं चित्रकूट जल संस्थान कार्यरत हैं। गढ़वाल तथा कुमायूं जल संस्थान उत्तराखंड राज्य में सम्मिलित हो गए हैं और कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद एवं लखनऊ नगरों के लिए गठित जल संस्थानों का विलय संबंधित नगर निगमों में हो चुका है। उत्तर प्रदेश जल निगम निदेशक मंडल में अध्यक्ष के अतिरिक्त 11 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा वित्त निदेशक के रूप में 3 स्थायी सदस्य एवं नगर विकास, वित्त, नियोजन तथा ग्राम विकास विभाग के सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय तथा महानिदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं के रूप में 6 पदेन सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों के 3 नियमित प्रधान राज्य सरकार द्वारा सदस्य के रूप में नामित हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव को निदेशक मंडल की बैठक में स्थायी आमंत्री के रूप में बुलाया जाता है। राज्य सरकार के निर्देश पर जल संभरण, सीवर व्यवस्था तथा जलोत्सारण के लिए मानक स्थापित करना, योजनाएं तैयार करना, उनको वित्त पोषित कराना तथा उनका निष्पादन कराना, प्रत्येक जल संस्थान का स्थानीय निकाय के साथ जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक और अन्य पहलुओं का वार्षिक पुनरावलोकन करना एवं उन पर सलाह देना। जब राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए तो किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी शर्तों तथा निबंधनों पर और ऐसी अवधि के लिए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए का अनुरक्षण करना। उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 द्वारा इसके अधीन निगम को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों अथवा गजट अधिसूचना द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना। जल निगम के प्रधान कार्यालय लखनऊ में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, वित्त निदेशक के साथ साथ मुख्य अभियंता ग्रामीण, मुख्य अभियंता नागर, मुख्य अभियंता गंगा, मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक तथा मुख्य अभियंता अधिष्ठान के कार्यालय स्थित हैं। जल निगम द्वारा कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणता नियंत्रण प्रकोष्ठ तथा कार्यों के अनुश्रवण हेतु अनुश्रवण प्रकोष्ठ भी प्रधान कार्यालय में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, आगरा, फैजाबाद तथा वाराणसी में क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के कुल 10 कार्यालय स्थापित हैं, जिनके अधीनस्थ प्रदेश में कुल 39 मंडलीय कार्यालय एवं 160 खंडीय कार्यालय कार्यरत हैं। प्रत्येक मंडल में अधीक्षण अभियंता स्तर के एक अधिकारी तथा प्रत्येक जनपद में अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी की तैनाती की गई है। दिनांक 1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार जल निगम में विभिन्न स्तर के नियमित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कुल स्वीकृत 8,661 पदों के सापेक्ष कुल 5,161 अधिकारी तथा कर्मचारी एवं नियमित कर्मचारी फील्ड अधिष्ठान में स्वीकृत 8,946 पदों के सापेक्ष 8,946 कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रदेश के नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल संपूर्ति, जलोत्सारण तथा नदियों के प्रदूषण नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्य जल निगम द्वारा कराए जाते हैं। नगर क्षेत्रों में कार्यों को पूर्ण कराकर संबंधित स्थानीय निकायों, जल संस्थानों को रख रखाव के लिए सौंप दिया जाता है। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 636 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें से 14 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद तथा 424 नगर पंचायतें हैं। 629 शहरी स्थानीय निकायों को पाइप पेयजल आपूर्ति से आच्छादित किया जा चुका है। शेष 7 नगर पंचायतों को भी पाइप पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है। जनसंख्या के आधार पर शहरों में पेयजल आपूर्ति का मानक निर्धारित है, जिसके अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 1 से 10 लाख के मध्य आबादी वाले शहरों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में भी यदि जलोत्सारण योजना है अथवा संभावित है तो जलापूर्ति की दर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति
प्रतिदिन ही निर्धारित है। इन मानकों के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्य सेक्टर के अंतर्गत शासन द्वारा सामान्य जल संपूर्ति कार्यक्रम, त्वरित आर्थिक विकास योजना एवं जिला योजना के अंतर्गत योजनाएं पोषित की गई हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र व बाह्य पोषित योजनाएं भी क्रियान्वित कराई जा रही हैं। बाह्य सहायतित कार्यक्रम के अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका के सहयोग से आगरा जल संपूर्ति योजना गंगा जल का कार्य कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अपर गंगा कैनाल के पलड़ा हेडवर्क्स जिला बुलंदशहर से आगरा तक 130 किलोमीटर पाइपलाइन 97 किलोमीटर लंबाई में 2100 मिलीमीटर व्यास की दो समानांतर पाइपलाइंस तथा 33 किलोमीटर लंबाई में 2800 मिलीमीटर व्यास की एक पाइपलाइन बिछाकर आगरा शहर को 140 क्यूसेक एवं मथुरा शहर को 10 क्यूसेक कुल 150 क्यूसेक कच्चा जल की आपूर्ति की जानी है। योजना में मुख्य रूप से सिकंदरा, आगरा में 144 एमएलडी क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंटेक वर्क, सेटलिंग टैंक, आगरा एवं मथुरा शहरों हेतु फीडर मेन पाइपलाइन बिछाने हेतु यमुना नदी पर 9 मीटर चौड़े आरसीसी पुल का निर्माण तथा वर्तमान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जीर्णोद्धार के कार्य प्राविधानित हैं। योजना की पुनरीक्षित अनुमोदित लागत ₹2,887.92 करोड़ के सापेक्ष ऋण पर भारत सरकार का जायका के मध्य ऋण अनुबंध मार्च 2014 में निष्पादित किया जा चुका है। योजना की लागत का 85% जायका से ऋण के रूप में तथा 15% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार पलड़ा सेटलिंग टैंक तथा सिकंदरा आगरा में यमुना जल का उपयोग कर 144 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसके द्वारा जलापूर्ति की जा रही है और जुलाई 2017 तक शेष समस्त कार्य पूर्ण किए जाने प्रस्तावित हैं। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल 636 नागर स्थानीय निकायों में से 13 नगर निगमों, 38 नगर पालिका परिषदों तथा 4 नगर पंचायतों, इस प्रकार कुल 55 नगरों में ही आंशिक रूप से जलोत्सारण व्यवस्था उपलब्ध है। 881 नगरों में अभी भी जलोत्सारण व्यवस्था नहीं है। राज्य सेक्टर के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में जलोत्सारण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामान्य कार्यक्रम, त्वरित आर्थिक विकास योजना एवं वित्त आयोग की संस्तुतियों अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जानी है। विभिन्न नगरों में जल निकासी योजनाओं के लिए राज्य सेक्टर के अंतर्गत सामान्य कार्यक्रम एवं त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। नगरीय क्षेत्रों में जल संपूर्ति, जलोत्सारण, जल निकासी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छता, सड़क नेटवर्क, नगरीय परिवहन आदि जैसी अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा चयनित नगरों के पुराने क्षेत्रों में पुनर्विकास के लिए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में 7 वर्ष की अवधि के लिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिव्यूनल मिशन योजना आरंभ की गई, जिसके दो घटक जिनका नाम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस एवं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस घटक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 6 नगर निगम जिनका नाम लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ एवं एक नगर पालिका परिषद मथुरा का चयन किया गया। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार UIG कार्यांश में 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले 6 नगर निगमों में योजना की लागत की 50% राशि केंद्र सरकार के अनुदान एवं 20% राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जानी थी तथा शेष 30% राशि संबंधित नगर निकायों द्वारा ऋण अथवा स्वयं के आंतरिक स्रोतों से वहन की जानी थी। मथुरा नगर हेतु उक्त प्रतिशत 80-10-10 का अनुपात है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कुल स्वीकृत लागत ₹6,069.74 करोड़ की 33 योजनाएं स्वीकृत थीं, जिनमें जल संपूर्ति की 11, जलोत्सारण की 12, जल निकासी की 3 एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की 7 योजनाएं सम्मिलित हैं। इन सभी 33 योजनाओं में से 10 पूर्ण की जा चुकी हैं और शेष समस्त योजनाएं वित्तीय वर्ष 2016-17 तक पूर्ण होने की आशा है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस एवं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स घटक के अंतर्गत वे सभी नगर निगम लिए जाने थे जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस घटक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में क्रमशः मंडल मुख्यालय, जनपद मुख्यालय व सांस्कृतिक महत्व के शहरों को क्रमवार प्राथमिकता प्रदान की गई। कार्यक्रम के वित्तीय पोषण के अनुसार योजना की लागत 80% राशि केंद्र सरकार के अनुदान एवं 10%
प्रतिशत राशि राज्य सरकार के अनुदान के रूप में और शेष 10% राशि संबंधित नगर निकायों द्वारा ऋण एवं स्वयं के आंतरिक स्रोतों अथवा विधायक सांसद निधि से वहन किया जाना था। कुल स्वीकृत लागत रुपए 1,158.05 करोड़ की 64 योजनाएं स्वीकृत हैं। स्वीकृत 64 योजनाओं में से 47 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष समस्त 17 योजनाएं वित्तीय वर्ष 2016-17 तक पूर्ण होने की आशा है। इस योजना के ट्रांजिशन फेज के अंतर्गत स्वीकृत 7 योजनाएं कुल स्वीकृत लागत रुपए 323.68 करोड़ निर्माणाधीन है। समस्त योजनाएं वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण होने की आशा है। इसी योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के जनपद पंचशील नगर के पिलखुआ नगर पालिका को सैटेलाइट टाउन के रूप में चयनित किया गया है। पिलखुआ नगर पालिका हेतु पेयजल, जलोत्सारण एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कुल 3 योजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत हैं। पेयजल योजना पूर्ण हो चुकी है। जलोत्सारण व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजनाएं वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण होने की आशा है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिव्यूनल मिशन की अवधि समाप्त होने के पश्चात राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज तथा शहरी परिवहन इत्यादि उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्र पूर्वनिधानित योजना के रूप में दिनांक 25/6/2015 को अमृत योजना प्रारंभ की गई है तथा JNNRUM के अवशेष कार्यों को नई योजना अमृत में शामिल करने हेतु निर्देश दिया गया है। अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत 1,00,000 की जनसंख्या से अधिक के प्रदेश के 61 नगरीय निकाय चयनित हैं एवं योजना की अवधि 2015 से 2020 तक कुल 5 वर्ष निर्धारित है। अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल, जलोत्सारण, जल निकासी एवं ठोस कूड़ा प्रबंधन के प्राकलन, विरचन व निर्माण के कार्य संपादित कराए जाने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम CNDS को नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत स्टेट एनुअल एक्शन प्लान के आधार पर योजनाओं का प्राकलन विरचन किया जा रहा है, जिनकी स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी की संस्तुति पर राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत एवं धनावंटन की कार्यवाही की जा रही है। गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से जून 1985 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कर गंगा कार्य योजना के नाम से एक योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा कार्य योजना हेतु नगर विकास विभाग को नोडल विभाग तथा उत्तर प्रदेश जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित 6 नगरों क्रमशः हरिद्वार, ऋषिकेश, फरुखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर को सम्मिलित किया गया। गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत जल निगम द्वारा कोर सेक्टर की 56 परियोजनाएं निर्मित की गईं, जिनमें 349.50 MLD क्षमता के लिए 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 27 पंपिंग स्टेशन, 13 शवदाह गृह, 12 कम लागत के शौचालय तथा 8 नदी घाटों का विकास कार्य सम्मिलित है। गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों यमुना एवं गोमती के तट पर स्थित कुल 23 नगरों में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण के कार्य प्रस्तावित किए गए। द्वितीय चरण में 212 योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किए गए, जिनमें से 207 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं एवं 5 परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। गंगा कार्य योजना के इन दोनों चरणों में कुल 34 नग सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण कर
1233.85 ml शोधन क्षमता विकसित की गई है। वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा एवं पूर्व संचालित राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया एवं वर्ष 2020 तक घरेलू अवजल को गंगा में गिरने से रोकने हेतु राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इलाहाबाद नगर की 6 योजनाएं, वाराणसी नगर की 2 योजनाएं तथा कन्नौज, बिठूर, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपनगर एवं नरौरा नगर की एक एक परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार स्वीकृत 14 परियोजनाओं की कुल लागत ₹2,256.01 करोड़ में भारत सरकार का अंश ₹1,653.74 करोड़ तथा राज्य सरकार का अंश ₹602.27 करोड़ है। NGRBA कार्यक्रम के अंतर्गत 105 MLD क्षमता के 4 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किए जा चुके हैं एवं 230.90 MLD क्षमता के 10 सीवेज शोधन संयंत्र निर्माणाधीन हैं। घरेलू सीवेज शोधन कार्यों के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत कानपुर नगर में टेनरी वेस्ट के शोधन के कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराए जाने प्रस्तावित हैं। इसके लिए भारत सरकार की विशेषज्ञ संस्था सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई के सहयोग से 25 MLD क्षमता के शोधन संयंत्र की DPR तैयार की जा रही है। झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रामगढ़ ताल गोरखपुर, मानसी गंगा ताल मथुरा, लक्ष्मी ताल झांसी, मदन सागर ताल महोबा के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से मानसी गंगा ताल के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। रामगढ़ ताल एवं लक्ष्मी ताल के कार्य प्रगति पर हैं तथा मदन सागर ताल की परियोजना विरचित की जा चुकी है। वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार से अपेक्षित है। वर्तमान में NGRBA द्वारा संचालित नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित नगरों तथा गंगा नदी की सहायक नदियों रामगंगा एवं काली नदी के किनारे स्थित मुख्य नगरों को सम्मिलित किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम में नदी में मिलने वाले नालों के डायवर्जन एवं शोधन संयंत्र के निर्माण का कार्य सम्मिलित किया गया है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों की 34 परियोजनाएं कुल अनुमानित लागत ₹8,497.88 करोड़ भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं, जिनकी स्वीकृति भारत सरकार से अपेक्षित है। प्रदेश में कुल 97,942 आबाद ग्राम हैं, जिनकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 15.53 करोड़ है। वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए कराए गए विस्तृत सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में कुल बस्तियों की संख्या 260,110 है। वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति मुख्यतः इंडिया मार्क सेकेंड हैंड पंप पर आधारित है। भारत सरकार की नीति के अनुसार वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र की 90% आबादी को पाइप पेयजल योजना से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से आच्छादित किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संपूर्ति हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम त्वरित आर्थिक विकास योजना, मल्टी सेक्टोरियल कार्यक्रम बुंदेलखंड पैकेज एवं विश्व बैंक कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को 7 घटकों क्रमशः आच्छादन, गुणता प्रभावित, ईयरमार्क वाटर क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, अनुरक्षण सपोर्ट एक्टिविटी एवं गुणता, अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम में विभक्त किया गया है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अधिकार
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के पास है, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के आच्छादन घटन के अंतर्गत नए हैंड पंपों पर अधिष्ठापन एवं रीबोरिंग तथा पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य किए जा रहे हैं। पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादन के लिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को तथा ऐसे ग्राम जिनके द्वारा पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत निर्धारित अंशदान देने तथा योजना के रखरखाव एवं संचालन हेतु सहमति दी गई है को प्राथमिकता दी जा रही है। नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर में वन क्षेत्र में निवास करने वाले पट्टा धारकों हेतु इंडिया मार्क 2 हैंड पंप के माध्यम से पेयजल का प्रबंध किया जा रहा है। प्रदेश में माह मार्च 2016 तक 26.07 लाख हैंड पंप अधिष्ठापित किए जा चुके हैं। हैंड पंप के अधिष्ठापन तथा रिबोरिंग का कार्य जल निगम एवं उत्तर प्रदेश एग्रो द्वारा किया जा रहा है। जल निगम एवं उत्तर प्रदेश एग्रो द्वारा स्थापित किए जाने वाले हैंड पंप 90.10 के अनुपात में हैं। प्रदेश के काफी बड़े क्षेत्र में भूजल में पेयजल की गुणवत्ता की समस्या है। भूजल स्तर में लगातार गिरावट के कारण तथा भूजल की गुणवत्ता की समस्याओं के कारण काफी संख्या में हैंड पंप या तो निष्क्रिय हो रहे हैं अथवा इनसे मिलने वाला पेयजल पीने योग्य नहीं रह गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के गुणता प्रभावित घटक के अंतर्गत गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था हेतु विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। जिन गुणता प्रभावित बस्तियों में पाइप पेयजल योजना हेतु ट्यूबवेल के लिए आवश्यक स्राव वाले स्ट्रेटा उपलब्ध हैं, वहां अशुद्धि रहित भूगर्भ जल का उपयोग करते हुए ट्यूबवेल पर आधारित पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिन गुणता प्रभावित बस्तियों में पाइप पेयजल योजना हेतु ट्यूबवेल के लिए अनावश्यक स्राव वाले स्ट्रेटा उपलब्ध नहीं है, वहां वैकल्पिक सुरक्षित पेयजल व्यवस्था हेतु 60 से 80 मीटर की गहराई वाले फ्लोराइड, आयरन, एक से अधिक अशुद्धियों से मुक्त स्ट्रेटा से गहरे हैंडपंप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रीटमेंट यूनिट ऐसी गुणता प्रभावित बस्तियों में जहां अशुद्धि मुक्ति भूजल स्रोत उपलब्ध नहीं होने के कारण गहरे हैंडपंप पर अधिष्ठापन एवं ट्यूबवेल पर आधारित पाइप पेयजल योजना का क्रियान्वयन संभव नहीं है, वहां सुरक्षित पेयजल व्यवस्था हेतु फ्लोराइड आयरन प्रभावित हैंडपंप पर फ्लोराइड आयरन रिमूवल यूनिट अधिष्ठापित करके सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2005 एवं इसके पश्चात के सर्वेक्षण में गुणवत्ता से प्रभावित कुल 8,661 बस्तियां चिन्हित हुई हैं, जिसमें 1,219 बस्तियां आर्सेनिक तथा 2,233 फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियां सम्मिलित हैं। इन समस्त चिन्हित बस्तियों को मार्च 2017 तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। प्रदेश में गुणता प्रभावित बस्तियों की स्थिति की जानकारी पूर्व में कराए गए सैंपल सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित है, किंतु विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी तथा समय समय पर कराए गए परीक्षणों के परिणाम स्वरूप अन्य क्षेत्रों में भी गुणता की समस्या समय समय पर सामने आ रही है। वास्तविक स्थिति के आकलन हेतु प्रदेश में पेयजल स्रोतों का वृहद स्तर पर गुणवत्ता सर्वेक्षण एवं GPS मैपिंग कराया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने पर नई गुणता प्रभावित बस्तियां चिन्हित की जा सकेंगी। प्रदेश में 80 जनपद नामतः गोरखपुर बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर देहात एवं सहारनपुर JEE-AES से प्रभावित है। सामान्यतः गहरे भूगर्भ स्ट्रेटा से जल प्राप्त करने वाले पेयजल स्रोतों जैसे इंडिया मार्क 2 हैंड पंप तथा नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के जल में जीवाणु एवं विषाणु संदूषण की संभावना नहीं पाई जाती है, किंतु
छिछले हैंड पंप्स में सतह से गंदे पानी के माध्यम से जीवाणु एवं विषाणु के प्रवेश की प्रबल संभावना होती है। सुरक्षित पेयजल संपूर्ति के लिए AES JE प्रभावित जनपदों की प्रत्येक ऐसी बस्ती जिसमें पिछले 3 वर्षों में कोई मरीज चिन्हित हुआ है में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध रूप में सार्वजनिक रूप से प्रयोग हो रहे छिछले हैंडपंप्स के स्थान पर एक इंडिया मार्क II हैंडपंप का अधिष्ठापन तथा मिनी पाइप पेयजल योजना का निर्माण किया जा रहा है। इन सभी प्रभावित क्षेत्रों में जल परीक्षण तथा समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए IEC गतिविधियों के संचालन की भी आवश्यकता है, जिसके संबंध में कार्यवाही ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन द्वारा की जाती है। पेयजल के स्रोत एवं सिस्टम को सस्टेनेबल करने हेतु विभिन्न स्थानों पर चेक डैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट तथा सॉकपिट के निर्माण से भूजल रिचार्ज के कार्य कराए जा रहे हैं। इन कार्यों का उद्देश्य पेयजल प्रणाली में शुद्ध एवं सर्वकालिक पेयजल की उपलब्धि सुनिश्चित किया जाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सस्टेनेबिलिटी मद में पेयजल योजनाओं पर सोलर पैनल के माध्यम से विद्युत आपूर्ति के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश के अनियमित विद्युत आपूर्ति वाले क्षेत्रों में सोलर पैनल आधारित ड्यूल पाइप पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अनुरक्षण एवं रखरखाव घटक के अंतर्गत विभिन्न जल संपूर्ति कार्यों के अनुरक्षण एवं रखरखाव का कार्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैंडपंप्स तथा एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव का कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। बहुल ग्राम पाइप जल संपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व झांसी एवं चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित जल संस्थानों तथा प्रदेश के अन्य मंडलों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है। मई 2016 की स्थिति के अनुसार 2098 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य जल निगम द्वारा तथा 147 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का झांसी एवं चित्रकूट जल संस्थानों द्वारा एवं 1494 एकल ग्राम योजनाओं का संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण जल संपूर्ति सहायक गतिविधियों के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के आंकड़े को भारत सरकार की वेबसाइट पर दर्ज करने, पेयजल की गुणवत्ता के ग्राम स्तर एवं प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुश्रवण, कंप्यूटराइजेशन एवं प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता के कार्य सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण जल संपूर्ति जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं सतर्कता वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एवं सर्वेलेंस कार्यक्रम के अंतर्गत फील्ड किट के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तरीय जल परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट एवं H2S वायल उपलब्ध कराने तथा जनपद राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश के 24 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। इस कार्यक्रम में राज्यांश एवं केंद्रांश 25-75 का प्राविधान है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत डिपॉजिट कार्य के रूप में आवंटित हैंडपंप एवं पाइप पेयजल योजना के कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार के एक मुश्त अतिरिक्त सहायता प्राप्त होती है। बुंदेलखंड पैकेज के प्रथम चरण में बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपदों में 2725 इंडिया मार्क II हैंडपंप तथा 12 पाइप पेयजल योजनाओं हेतु कुल ₹91.63 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिन्हें पूर्ण कराया जा चुका है। विस्तारित बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में कुल अनुमानित लागत ₹181 करोड़ की 48 पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें से 18 योजनाओं के कार्य पूर्ण कराए जा चुके हैं और शेष 30 योजना का कार्य प्रगति पर है।
विश्व बैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल निर्माण हेतु कार्यों उत्तर प्रदेश जल निगम को तकनीकी संस्था नामित किया गया है। भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के क्षेत्र में पिछड़े हुए चार राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं आसाम को कुल ₹5,000 करोड़ की तकनीकी सहायता टेक्निकल असिस्टेंस उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ₹5,000 करोड़ की धनराशि में से ₹2,500 करोड़ की धनराशि विश्व बैंक का ऋण होगा जो भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जाएगा और इन सभी चार राज्यों को दिया जाएगा। शेष ₹2,500 करोड़ भारत सरकार द्वारा पूर्व से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्राविधानित केंद्रांश एवं राज्यांश के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए लगभग ₹1,950 करोड़ का प्रावधान है। 6 वर्षों की अवधि में पूर्ण होने वाली इन सभी परियोजनाओं के लिए मूल प्रस्ताव के अनुसार उत्तर प्रदेश के 10 जनपद जिनमें इलाहाबाद, गोरखपुर, गोंडा, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, बहराइच, सोनभद्र, बलिया एवं गाजीपुर को सम्मिलित किया गया है। योजना का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया जाना है। परियोजना के द्वितीय चरण में जनपद फतेहपुर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर एवं संत कबीर नगर को भी सम्मिलित किया गया है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गठित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ विभिन्न क्षमता विकास एवं जन जागरूकता के कार्यों का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यभार की कमी को देखते हुए निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम के प्रबंध निदेशक के आदेश संख्या 415/P1/173 दिनांक 19 अप्रैल 1989 द्वारा कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज उत्तर प्रदेश जल निगम नाम से एक विंग का सृजन किया गया था। शासनादेश संख्या 2401/9/3/91/249C/91 दिनांक 6 जून 1991 द्वारा इस विंग को राजकीय निर्माण एजेंसी नामित किया गया है तथा शासनादेश संख्या E8/157/10/2013/10/74/2012 दिनांक 12 फरवरी 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के साथ कंस्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज उत्तर प्रदेश जल निगम को असीमित लागत के कार्य कराने हेतु वर्गीकृत प्रथम श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी इस विंग के निदेशक होते हैं। वर्तमान में विंग में 2 मुख्य महाप्रबंधक, 1 लखनऊ तथा 1 गौतम बुद्ध नगर में, 11 महाप्रबंधक जिनमें से 6 लखनऊ, 1 गाजियाबाद, 2 नोएडा, 1 रामपुर तथा 1 इलाहाबाद में कार्यरत हैं। इन महाप्रबंधकों के अधीन 47 यूनिटें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं 4 यूनिटें प्रदेश के बाहर उधम सिंह नगर उत्तराखंड, अहमदाबाद गुजरात, नासिक महाराष्ट्र एवं जम्मू एवं कश्मीर में कार्यरत हैं। इन यूनिटों के इंचार्ज परियोजना प्रबंधक होते हैं और कार्यों के सुचारू संपादन के लिए कुल 225 वरिष्ठ स्थानिक अभियंता व स्थानिक अभियंता भी यूनिटों में कार्यरत हैं। विंग द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में विभिन्न विभागों के कार्य डिपॉजिट कार्य के रूप में प्राप्त कर संपादित कराए जाते हैं। विंग द्वारा वर्ष 2014-15 में ₹1,162.14 करोड़ तथा वर्ष 2015-16 में ₹1,652.41 करोड़ लागत के कार्य संपादित कराए गए हैं। प्राचीन संरक्षित भवनों का जीर्णोद्धार कार्य भी विंग द्वारा कराया गया है जिसके अंतर्गत कुसुम सरोवर गोवर्धन मथुरा का कार्य उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा जवाहर नवोदय विद्यालय समिति मिंट तथा प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों जैसे मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार तथा पूर्वोत्तर आदि राज्यों में भी प्राप्त कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन किया गया है एवं कराया भी जा रहा है। सिविल निर्माण से अलग हटकर विगत वर्षों में नागरिक उड्डयन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना के कार्य भी प्राप्त हुए जिनका सफल संपादन किया गया एवं कराया जा रहा है।
इलाहाबाद नगर में कुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेला के अवसर पर वृद्ध, अशक्त एवं विकलांग तीर्थ यात्रियों के संगम तट पर सुरक्षित एवं सुगम आवागमन के लिए 4-लेन मार्ग तथा सेतु का निर्माण कार्य अनुमानित लागत ₹975 करोड़ भी विंग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।